नमस्कार, मैं सिमरन बंसल सिमरन की रसोई डॉट कॉम में आप सभी का स्वागत करती हूं। आज हम पनीर स्टफ्ड मूंग दाल चिल्ला बनाएंगे। ये चिल्ला खाने में बहुत ही टेस्टी होता है और इसे बनाना भी बहुत आसान है। इसे हम बच्चों के लंच बॉक्स में डालकर दे सकते हैं, या ब्रेकफास्ट में बनाकर खा सकते हैं, या जब भी हमारा मन करे बनाकर खा सकते हैं। तो अगर आज की रेसिपी आपको मेरी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो चलिए देखते हैं पनीर स्टफ्ड मूंग दाल चिल्ला कैसे बनता है। मूंग दाल चिल्ला बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक कप भीगी हुई दाल ली है। दाल को मैंने 3-4 घंटे पहले भिगो दिया था। हमारी दाल भीग कर बिल्कुल फूल चुकी है। 2 टेबलस्पून मैंने यहाँ पर चावल काटा लिया है। चावल के आटे से चिल्ले में अच्छी क्रिस्पनेस आती है। 1/4 छोटी चम्मच मैंने यहाँ पर चाट मसाला लिया है। 1/2 छोटी चम्मच नमक, या अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। 1/2 छोटी चम्मच यहाँ पर मैंने गरम मसाला लिया है। 2 हरी मिर्च और 1 इंच टुकड़ा अदरक का लिया है। 2 टेबलस्पून मैंने यहाँ पर ऑयल लिया है। और स्टफिंग के लिए मैंने यहाँ पर 100 ग्राम क्रम्बल किया हुआ पनीर, 1 मीडियम साइज की गाजर ग्रेट की हुई, 1 मीडियम साइज का प्याज बारीक कटा हुआ, 1 छोटी शिमला मिर्च बारीक कटी हुई, 1 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, 1/2 छोटी चम्मच नमक, या अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, 1/4 छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर। सबसे पहले हम दाल पीस कर तैयार करेंगे। मिक्सर ग्राइंडर जार में ये दाल डाल देंगे। नमक डाल देंगे, चाट मसाला, गरम मसाला, ये हरी मिर्च और अदरक डाल देंगे। थोड़ा सा इसमें हम पानी डालेंगे और इसका हम एक फाइन पेस्ट तैयार कर लेंगे। ये हमारी दाल पीसकर तैयार हो चुकी है। इसको हम एक बाउल में निकाल लेंगे। अब इसमें हम ये चावल का आटा डाल देंगे। अच्छे से इसको हम मिक्स करेंगे। थोड़ा सा साथ में हम पानी भी डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें लम्स नहीं रहने चाहिए। अच्छे से मिक्स करेंगे। ये चिल्ले के लिए हमारा बैटर बनकर तैयार है। आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह की हमें रखनी है, ना तो ज्यादा पतली और ना ही ज्यादा गाढ़ी। अब इसको हम ढककर एक साइड रख देते हैं और हम अपनी स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। स्टफिंग बनाने के लिए पैन में थोड़ा सा तेल डालेंगे। तेल को थोड़ा सा गर्म होने देंगे। तेल गर्म होने पर इसमें हम ये हरी मिर्च डाल देंगे। थोड़ा सा चला लेंगे इसको हम, और ये प्याज डाल देंगे। प्याज को हम थोड़ा सा भूनेंगे। हमें इनको बिल्कुल थोड़ा सा ही नरम करना है। प्याज के हल्का नरम होने पर हम ये गाजर डाल देंगे और शिमला मिर्च डाल देंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको हम 1-2 मिनट के लिए कुक करेंगे। सब्जियों को 1-2 मिनट कुक करने के बाद आप देखेंगे कि हमारी सब्जियां नरम हो चुकी है। इसमें अब हम ये काली मिर्च डाल देंगे, मिक्स कर देंगे इसको अच्छे से। तो गैस की फ्लेम हम बंद कर देंगे और हमारी स्टफिंग को अब ठंडा होने देते हैं। ठंडा होने के बाद इसमें हम पनीर और नमक मिलाएंगे। हमारी स्टफिंग ठंडी हो चुकी है। इसमें हम ये नमक डाल देंगे और क्रम्बल किया हुआ ये पनीर डाल देंगे। अच्छे से इसको हम मिक्स कर लेंगे। ये हमारी स्टफिंग बनकर तैयार है। इसको अब हम एक बाउल में निकाल लेते हैं। चिल्ला बनाने से पहले बैटर को हम एक बार मिला लेंगे अच्छे से। चिल्ला बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक नॉन स्टिक तवा गैस पर रख दिया है। थोड़ा सा हम इस पर तेल डालेंगे और टिश्यू पेपर से इसको हम पूंछ देंगे इस तरह से। अब इसके ऊपर हम 1 चम्मच इस तरह से बैटर डालेंगे और फैला देंगे धीरे धीरे।
चीला आप अपने पसंद के अनुसार छोटा बड़ा बना सकते हैं। ऊपर से थोड़ा सा हम तेल डाल देंगे और चिल्लों को एक साइड से हम सिकने देंगे। एक साइड से चिल्ला सिकने के बाद हम इसको पलट देंगे और दूसरी साइड से भी थोड़ा सा सिकने देंगे हम। थोड़ा सा हम तेल डाल देंगे। गैस की फ्लेम मैंने यहाँ पर मीडियम रखी है। दूसरी साइड से भी हमारा चिल्ला सिक चुका है, इसे हम पलट देंगे और इसके ऊपर हम एक चम्मच स्टफिंग रखेंगे। और इसको इस तरह से हम फोल्ड कर देंगे। दूसरी साइड से भी फोल्ड कर देंगे। ये हमारा चिल्ला बनकर तैयार है। इसको अब हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। दूसरा चिल्ला भी इसी तरह हम डालेंगे, फैला देंगे। चिल्ला डालते वक्त गैस की फ्लेम लो रखें। ये हमारा दूसरा चिल्ला भी तैयार हो चुका है, इसे भी हम निकाल के प्लेट में रख लेंगे। इसी तरह हम सारे चिल्ले बना लेंगे। ये लीजिए हमारे मूंग दाल चिल्ला बनकर तैयार है। आप देख सकते हैं कितने अच्छे बने हैं। खाने में ये बहुत ही टेस्टी होते हैं और साथ में पनीर की स्टफिंग इस चिल्ले के टेस्ट को और चार गुना बढ़ा देती है। आप इसे बच्चों के लंच बॉक्स में डाल सकते हैं, ब्रेकफास्ट में खा सकते हैं। तो आप इन्हें घर पर जरूर बनाए खाएं और फिर अपने कमेंट्स मेरे चैनल पर शेयर करें। तो फ्रेंड्स, आज की रेसिपी आपको मेरी कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स पर जरूर लिखें। अगर आज की रेसिपी आपको मेरी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अगली वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। फिर मिलते हैं हम एक नई रेसिपी के साथ। आज की रेसिपी देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।